जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंथवाल। अपना हिमाचल में रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, बिलासपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर। बिलासपुर गोलीकांड पर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां 20 जून को हुए गोलीकांड में अब इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आई है। मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 20 जून को बिलासपुर में ये गोलीकांड हुआ था, जिसके बाद पुलिस द्वारा आरोपी को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था, लेकिन जैसे ही आरोपी व्यक्ति कोर्ट में आत्मसमर्पण करने के लिए पहुंचा, उससे पहले ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 20 जून को बिलासपुर में ये गोलीकांड हुआ था, अब मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, तो बिलासपुर गोलीकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां कोर्ट परिसर से पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसी खबर पर बिलासपुर से हमारे सहयोगी सुभाष ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए। सुभाष, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, बिलासपुर गोलीकांड मामले में अब एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल, बिलासपुर में जो गोलीकांड हुआ था उसके दो आरोपियों को पहले पकड़ लिया गया था, लेकिन जो मुख्य आरोपी था पूर्व विधायक बंबर ठाकुर का बेटा पुरंजन ठाकुर, इसमें मेन मुख्य शामिल था। काफी दिनों से वो फरार चला हुआ था और हाई कोर्ट में उसने अपनी याचिका भी दायर की थी, लेकिन याचिका उसकी वहां पर रद्द हो गई थी। और वहीं पर हाई कोर्ट के द्वारा उसे वीरवार 10 बजे सुबह कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था। जैसे ही आज सुबह 9 बजे के करीब जो पुरंजन ठाकुर कोर्ट पहुंचा, तो पुलिस की टीम ने उसे वहीं से घर से पहुंच लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया है। सुभाष, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मामले में दो आरोपियों की गिरफ्तारी पहले हुई, अब मुख्य आरोपी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है, पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने आया हो, क्या कुछ वजह रही इस पूरी घटना के पीछे? देखिए, जो पहले गोलीकांड का जो एक आरोपी पकड़ा गया था, उसने पूर्व विधायक बंबर ठाकुर के बेटे का नाम इसमें जाहिर किया था और उसी दिन से ही जो पुरंजन ठाकुर वह फरार हो गया था। इसमें यह मामला सामने आ रहा है कि जो पूर्व विधायक बंबर ठाकुर है, उसके ऊपर कुछ महीनों पहले एक हमला गोली चली है उनके द्वारा किया गया था, उसको लेकर ये मामला आपने बताया जा रहा है। बिल्कुल सुभाष, फिलहाल क्या कुछ कार्यवाही अब तीनों आरोपी पर आगे की जा रही है? देखिए, दो आरोपियों को पहले ही कोर्ट ने 14 दिन का रिमांड ले चुका है और पुरंजन ठाकुर को अब जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा, उनके अब पुलिस पूछताछ कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रही, जहां अब बिलासपुर गोलीकांड मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है, फिलहाल पूछताछ जारी है और उसके बाद कोर्ट में पेश कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। और कल थे अगली बड़ी खबर का, कुल्लू में सड़क हादसा हुआ है, दरअसल अनियंत्रित होकर ब्यास नदी में गिरा ट्रक, ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां हादसे में ट्रक चालक फिलहाल लापता है, पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही भी शुरू कर दी है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, अनियंत्रित होकर ब्यास नदी में ट्रक जा गिरा, हालांकि जब मौके पर पुलिस पहुंची तो जो चालक था वो फिलहाल लापता बताया जा रहा है। अनियंत्रित होकर ब्यास नदी में ये ट्रक गिरा, इस पूरे मामले में अब आगामी कार्यवाही भी जारी है। हादसे में ट्रक चालक फिलहाल लापता बताया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, कुल्लू में सड़क हादसा, तो सड़क हादसे में अनियंत्रित होकर ब्यास नदी में जा गिरा ट्रक और इसके बाद आपको बता दें कि लगातार इस पूरे मामले पर पुलिस की जांच भी जारी है। घटनास्थल की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, मौके पर पुलिस मौजूद, स्थानीय लोग मौजूद, हालांकि इस हादसे के बाद से ही जो ट्रक चालक है वो लापता है, लेकिन पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है और कार्यवाही भी जारी है। इसी खबर पर हमारे सहयोगी मनमिंदर अरोड़ा हमारे साथ जुड़े। मनमिंदर, सबसे पहले आप जानना चाहेंगे, ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है, ट्रक जा गिरा नदी में और अब जो ट्रक चालक है वो अभी भी लापता बताया जा रहा है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? ये देखिए, बिल्कुल ये बीती रात का मामला है, क्योंकि जो जानकारी मिली है उस हिसाब से ये कल जो ट्रक है वो कुल्लू की तरफ मनाली से आ रहा था और एक अनियंत्रित होकर एक मोड़ से ब्यास नदी में जा गिरा। अब इसमें कितने लोग थे और सवार थे चालक के साथ, ये अभी तक पता नहीं लग पाया। इसके अलावा जो है, जो भी चालक का, जो चालक का भी कोई पता नहीं, क्योंकि उसके लिए जो ब्यास जो नदी किनारे जो सर्च ऑपरेशन मतलब जारी है, पुलिस की एक टीम जो है वो ब्यास नदी के किनारे चालक के को ढूंढ रही है। और दूसरी बात, फिलहाल जो
बिल्कुल मनविंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सड़क हादसा हुआ है और इस दौरान अनियंत्रित होकर जो ट्रक है वो ब्यास नदी में जा गिरा, उसके बाद से ही ट्रक चालक लापता है। हालांकि लगातार जो सर्च अभियान है वो जारी है और कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। तो वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस प्रदेश में नाकाम साबित हुआ और बीजेपी ने जो सरकार गिराने का षड्यंत्र रचा था उसमें वो पूरी तरह से विफल रहे। देश की सरकार बने 15 महीने से ऊपर का समय हो गया। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने दिसंबर 22 में जो परिवर्तन किया था, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई, लेकिन आप ये देखें कि लगातार प्रदेश को चुनाव से गुजरना पड़ रहा है। आज फिर से 3 जगह बाई इलेक्शन हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि इसके क्या कारण रहे। जो घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस जिसकी बात है, भाजपा की सरकार ने जो किया था वो जनता के आशीर्वाद से फेल हुआ और कांग्रेस की सरकार आज भी मजबूत है। और उसके बाद 6 लोगों ने जिस तरह से अपनी पार्टी को छोड़ के भाजपा के नेताओं के साथ जो मिलके एक सरकार गिराने की साजिश की, अल्टीमेटली वो फेल हुई। उसमें से 4 जगह जो है प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया और हमारी संख्या दोबारा से 38 हो गई। तो सरकार पूरी तरह से मजबूत है। मंडी शहर में पहली बार 4 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल शुरू होने जा रहा है। 27 से 30 जून तक चलने वाले इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन संस्कृति सदन में किया जाएगा। इसमें प्रवेश पूरी तरह से निशुल्क रहेगा, लेकिन उसके लिए लोगों को पंजीकरण करवाना होगा, जिसका मंडी शहर के सैरी मंच पर निशुल्क पंजीकरण काउंटर का शुभारंभ हो गया है। फिल्म फेस्टिवल के आयोजक पवन शर्मा और राजा सिंह मल्होत्रा ने बताया कि 4 दिनों तक 40 फिल्में दिखाई जाएंगी। ये सभी फिल्में साहित्य और सत्य घटनाओं के साथ साथ समाज को एक नया संदेश देने वाली होंगी। फिल्मों के बाद उन पर चर्चा के लिए अलग से सेशन का आयोजन भी किया जाएगा। और 27, 28, 29 और 30 जून को एक फिल्मों का मेला लेके आए हैं, जो अपना सांस्कृतिक सदन में रहेगा। सवेरे 11 बजे से लेके रात को 10 बजे तक फिल्में दिखाई जाएगी। कम से कम 40 फिल्में हम लेके आए हैं और ये ऐसी फिल्में हैं जो आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगी, जो साहित्य से जुड़ी है, जो एक सार्थक फिल्में हैं, जो एक मैसेज देती है नशे के प्रति और भी जितनी भी हमारी जो बोलते हैं गलत धारणाएँ हैं, गलत चीज़ें हैं, उन सबको आपको जागरूक करती है उनके प्रति कि ये गलत है। गलत को गलत कहने के लिए जो फिल्में बनती है, गलत चीज़ को, वो हौसला रखती है ये फिल्में, जिससे आम लोगों को बहुत ही शिक्षा मिले। उन सब फिल्मों को लेकर के हम आए हैं और ये फेस्टिवल फ्री है। कांगड़ा म्यूजियम में 3 दिवसीय ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट पेंटिंग प्रदर्शनी का आगाज हुआ। इस प्रदर्शनी में देश विदेश के कलाकारों की विभिन्न विधा में हिस्सा लेंगे। प्रदर्शनी का शुभारंभ डॉक्टर हरीश गज्जू अतिरिक्त जिला न्यायाधीश कांगड़ा की ओर से किया जाएगा। इस बारे में परविंदर लाल सीनियर आर्टिस्ट ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से धर्मशाला में प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है, जिसमें विभिन्न देशों के कई आर्टिस्ट भाग ले चुके हैं और अपनी कला का प्रदर्शन भी कर चुके हैं। संग्रहालय में 26 से 28 तक 3 दिवसीय कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन एडीएम सर डॉक्टर हरीश गज्जू द्वारा किया गया है। इस एग्जीबिशन में 67 आर्टिस्ट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि दिल्ली, चंडीगढ़, मोहाली और दिल्ली, लुधियाना वहाँ से हैं और कुछ एक फॉरेन कंट्री से भी हैं। उसमें रशिया के आर्टिस्ट हैं, ग्रीस और ऑस्ट्रिया और थाईलैंड के हैं, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड वहाँ के आर्टिस्ट हैं। इसका थीम तो है ब्लैक एंड वाइट, इसमें हमने डिस्प्ले किए हैं प्रिंट्स और पेंटिंग्स,
और इसका मेन यही है कि आर्टिस्ट जो हैं उनको आपस में मिलने का एक मौका मिलता है। जैसे बाहर के जो आर्टिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे, तो उनको हमारे इंडिया के यहाँ के कल्चर का लगेगा पता, यहाँ की पेंटिंग्स, यहाँ के आर्टिस्ट से मिलेंगे। ब्लैक एंड वाइट देना था प्रिंट्स या फिर ड्राइंग, और मेरी थीम जो है वो इंट्रोस्पेक्शन के ऊपर है कि जैसे हम इंसान नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखते हैं अपने आप को, है ना, तो हम कैसे इंट्रोस्पेक्ट करते हैं अपने आप को लेकर, तो उसके ऊपर मेरा थीम था सारा। सो यहाँ पे मेरा काम एक लगा हुआ है, उसका टाइटल है कॉस्मिक आई। और चलिए रुख करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपना नाम प्रस्तावित करके भेजे, उसी नाम को राज्यपाल अपना अनुमोदन दे करके उसे विश्वविद्यालय का कुलपति बना दे। पहले भी इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। वह एक तकनीकी विश्वविद्यालय भी है, और तकनीकी विश्वविद्यालय होने के नाते उसमें पहले से एक प्रतिनिधि आईएसआर का हुआ करता था, एक प्रतिनिधि यूजीसी का हुआ करता था, और एक प्रतिनिधि राज्यपाल अपना नेता देता था। ये तीनों मिलकर करके कुलपति का चयन करते थे, लेकिन राज्य सरकार के उस आदेश के बाद जो विधानसभा में पारित हुआ, वही बार बार कृषि मंत्री जी अपना दे रहे हैं। हमारे पास वो आए थे, उनके साथ अनिरुद्ध सिंह जी भी थे। मैंने उनको स्पष्ट कह दिया था कि भाई मेरे पास पत्रावली राज्य सरकार की कोई है नहीं, लेकिन अब बात चाहे जो भी रही हो, उन्होंने बार बार इस पर बयान दिया, तो हमारे सचिव श्री राजेश शर्मा ने भी इसका स्पष्टीकरण पहले भी दिया था कि नहीं, हमारे पास पत्रावली का वो नहीं है। उसके बाद भी बयान आने के बाद तो जो दोषारोपण मेरे ऊपर होना था, तो मैंने यह उचित समझा कि आप लोगों के समक्ष इस विषय को रख कर करके और हिमाचल प्रदेश के बुद्धिजीवियों से ही पूछूं कि हर प्रदेश में सरकार जो है विश्वविद्यालय के, विद्यालयों के, शिक्षा के क्षेत्र में बजट का भाग खर्च करती है, लेकिन जो वो चाहे वही हो, ऐसा कहीं किसी प्रदेश में नहीं होता है। लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश सरकार इस बात को करती है, तो उसके लिए कि क्या वह सही है या गलत है, वह पत्रावली राष्ट्रपति जी के इस अनुमोदन के लिए कि अगर विधानसभा ने सही किया है तो उसको पास कर दें, भेज दिया गया है। दूसरी बात, हमने अपनी तरफ से पुराने नियमों के अनुसार ही एक कमेटी का गठन किया, जो खोज कर करके कुलपति को बुलाए, उसका कुछ काम आगे बढ़ा भी था, स्क्रीनिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद उसी विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक ने शायद हाई कोर्ट में रिट कर दिया, और उस रिट के आधार पर हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया है। तो दोनों पक्षों के आधार पर कहीं राजभवन इसमें आता नहीं है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भी एक वर्ष से अधिक समय हो गया, हमने एडवर्टाइजमेंट दिया था कुलपति के लिए, सरकार से नाम मांगा था, सरकार ने चीफ सेक्रेटरी का नाम दिया था,
जो नाम दिया था यह मेरा अधिकार था कि मैं किसे चयन समिति का अध्यक्ष बनाऊं, लेकिन मैंने चीफ सेक्रेटरी को ही अध्यक्ष बना दिया। और वर्ष भर हो गए हैं तब से लेकर करके अभी तक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के लिए भी कुलपति व कमेटी नहीं दे पाई। मैंने मुख्य सचिव को भी पत्र एक लिखा है कि जितना जल्दी हो सके इसको कर करके दें, और मैं समझता हूं कि आपसे उपयुक्त माध्यम मेरे लिए और कोई नहीं था कि मैं इस बात को बता सकूं कि कुलपति के नियुक्त होने में कहीं भी राज भवन का कोई दोष नहीं है। और मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो हो जाए, इसके लिए चीफ सेक्रेटरी को भी कह दिया है और न्यायालय में भी उस स्टे को खत्म करने के लिए हमारे तरफ से रिट हुई है कि खत्म हो जाएंगे तो निश्चित ही तुरंत कुलपति नियुक्त हो जाएगा। यह मेरी मंशा है और स्पष्ट इसकी घोषणा है कि मैं नियम के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करूंगा। जो भी नियम है मैंने प्रयत्न ये किया है कि मैं राज्यपाल के गरिमा का पालन, इसके पहले विधानसभा में भी कुछ हुआ था तो भी मैंने कहा था, जिसकी जानकारी आप लोगों को है, आगे भी मैं जब तक हूं तब तक राज्यपाल के पद की गरिमा बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयत्न करूंगा। मैं कमरे में अपने व्यक्ति हूं, कमरे के बाहर राज्यपाल हूं, और राज्यपाल की जो गरिमा है वो मेरे लिए द्वारा हमेशा पूरी तौर पर रखी जाएगी। धन्यवाद। सर, इसमें एक चीज ये क्लियर कर दीजिए कि ये जो बिल है जो सरकार की तरफ से आया था जिसके लेकर कृषि मंत्री कह रहे हैं, वो प्रेजेंटली कहाँ है, और इसमें जो सरकार बदलाव चाह रही है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन क्या है, क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है या जो प्रेसिडेंस है पहले उसके आधार पर? देखिए, पहले हमारे पास आया था, मैंने टिप्पणी मांगी थी और टिप्पणी के बाद अब वह बिल प्रदेश सरकार के ही पास है। अब उनको उस पर क्या करना है, उनको स्वयं इस पर निर्णय लेना है। निर्णय लेकर के हमारे पास फिर पत्रावली आएगी तो फिर मैं उस पर जो भी उचित होगा वो करूंगा। बिल राष्ट्रपति को जाता है अगर यह आवश्यक हो राय ले लेने के बाद कि नहीं जाना चाहिए तो जाता है। तो सर, इसमें विलंब की कितनी संभावना है सर कि और विलंब हो सकता है? अभी तो प्रदेश सरकार के ही पास है, वो क्या करती है इस पर निर्भर करता है। दूसरी तरफ न्यायालय अभी तो सितंबर तक का कोई डेट दिया है, लेकिन अगर बीच में न्यायालय अपना इसे खत्म कर देता है तो जो कार्रवाई चल रही है उस कार्रवाई को आगे बढ़ा करके कुलपति की नियुक्ति हो जाएगी। क्या इस संबंध में प्रदेश सरकार के साथ कोई पत्राचार या टेलीफोनिक कम्युनिकेशन नहीं हुआ जिससे ये क्लैरिफाई हो जाता है? ऐसी स्थिति क्यों आन पड़ी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसको क्लियर करना पड़ा? चूंकि आप ही लोग प्रेस हो और आप ही लोग हमारे पास भी न्यूज भेजते हो, समाचार पत्रों में न्यूज आया तो मुझे ये लगा कि मुझे जो आप लोगों ने लिखा है उसमें न कहीं अगर दोषी नहीं हूं तो आप लोगों के सामने ही तो स्पष्ट कर दूं, इस नाते पड़ा। सर, इसके अतिरिक्त दो चीजें हैं, दोनों राजनीतिक दल प्रदेश में क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स कर रही हैं। एक बीजेपी कहती है कि 6 CPS जाएंगे और उनकी सदस्यता जाएगी, उसी तरह से कांग्रेस पार्टी कहती है 9 जो विधायक हैं वो उनके खिलाफ अवमानना का नोटिस हुआ है, उनकी सदस्यता जाएगी। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो राज्यपाल का क्या रोल रहता है, आप कितना इंटरवीन कर सकते हैं उसमें? और दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित मामला भी आपके पास आया है, उस संबंध में आपने
क्या है? देखिए, हिमाचल प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को मैं ये नहीं कह सकता हूं कि बहुत बिगड़ गया है, लेकिन हिमाचल देवभूमि मानी जाती है, इस नाते कुछ भी होता तो दिखने लगता है। इस नाते सरकार को लॉ एंड ऑर्डर को गंभीरता से लेना चाहिए और गंभीरता से लेकर के हिमाचल प्रदेश शांत प्रदेश है, इस शांत प्रदेश में कोई लॉ एंड ऑर्डर का ब्रिज न हो, इसके लिए कार्य करना चाहिए। जहाँ तक सीपीएस के संदर्भ में आप लोग बात किया है, वो तो न्यायालय में है, इस नाते वो एक विषय पर हम लोग जब आएगा न्यायालय कुछ मांगेगा या और कुछ आएगा तब तो हमारा क्या अधिकार है, क्या दायित्व तो करेंगे, अभी तो इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। सर, चार दिन पहले आपने सरकार के प्रति विश्व योग दिवस को लेकर एक आपत्ति जाहिर की थी, क्या उसके ऊपर राजभवन ने कोई संज्ञान लिया है? तभी तो कहा है, संज्ञान अगर लिया तभी तो ये कहा कि नहीं रहना चाहिए। और योग दिवस किसी पार्टी का नहीं है, योग दिवस को यह सबसे बड़ी उपलब्धि है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत के प्रधानमंत्री के आवेदन पर 21 जून को विश्व योग दिवस की मान्यता दी। यह भारत के लिए गौरव की बात है और वह विषय किसी भी दल का नहीं है। विभिन्न संस्थानों में योग होता है सिर्फ इस नाते कि विश्व योग दिवस मन गया है, तो उसमें सरकार द्वारा ही आयुष विभाग द्वारा वह मनाया गया था, तो उसमें सभी लोगों को रहना चाहिए था। मुझे बुलाया गया तो मैं भी गया था, अन्यथा राजभवन में भी अलग से भी मैंने उसका प्रबंध किया था और यहाँ भी हुआ था। सर, जिस तरह प्रदेश में बार बार इलेक्शन हो रहे हैं, पहले 6 इलेक्शन हुए, अब 3 इलेक्शन होने जा रहे, क्या आप इसको सार्थक मानते हैं? और दूसरा सवाल ये कि जिस तरह स्पीकर ने भी पिछले कल 9 विधायकों के निष्कासन को लेकर ये प्रतिक्रिया दी है, किस पर हम विचार करेंगे, आपको लगता है कि ये निष्कासन अगर भविष्य में होता है तो सही है? देखिए, स्पीकर का पद संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद पर फिलहाल मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अगर कोई विषय ऐसा आया जो राज्यपाल के पास आता है तब उस पर हमारी क्या ओपिनियन होगी मैं करूंगा, लेकिन मैं विधानसभा अध्यक्ष पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी कर ही नहीं सकता। सर, जिस तरह इलेक्शन बार-बार हो रहे, इसको सार्थक मानते हैं? इस पर आप लोगों को लिखना चाहिए ना कि दोनों की सभी राजनीतिक दल क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप लोग लिखो। सर, आपने कहा कि बिल को आपने सरकार को वापस दे दिया, कुछ क्लेरिफिकेशन मांगा, क्या हम जान सकते हैं क्या उसमें मांगा गया सरकार से, पूछा गया? नहीं नहीं, नहीं उसमें कई किंतु परंतु होते हैं। बिल जो होता है, आवश्यक नहीं है कि जितने बिल होते हैं वह सही अर्थों में, कभी शब्दों का कुछ होता है, कभी किसी का कुछ होता है, तो इस तरह से अपना चलता रहता है। जो टिप्पणियाँ भी, पूरी टिप्पणी मैं नहीं बता सकूंगा आपको, लेकिन जब वो पुनः भेजेंगे उनको खुद सोचना चाहिए था, बिल सरकार के पास वापस आया है तो देख करके उसको। और अपना हिमाचल में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।